हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। लौकी का स्वाद इतना अनोखा है, चाहे आप लौकी का कोफ्ता, लौकी का हलवा या सादी लौकी की सब्जी क्यों ना बनाओ, ये टेस्टी ही बनती है। तो आज हम इसी लौकी से एक ऐसी स्नैक रेसिपी बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो आज हम बनाएंगे लौकी के क्रिस्पी रिबन्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो यकीनन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब मैं रेसिपीज अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं लौकी के क्रिस्पी रिबन्स बनाने की आसान सी सामग्री। 4 टेबलस्पून बारीक बेसन, 2 टेबलस्पून बारीक सूजी, इसे भूना नहीं है, पानी जरूरत अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, ये भुना हुआ अजवाइन है, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर। यहाँ पे हमने लौकी ली है जो कि छोटी साइज की है और ये बहुत मोटी नहीं है, मीडियम सी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी क्रिस्पी रिबन्स। तो सबसे पहले हम बाउल में बेसन, हल्दी, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन डालकर मिला लेंगे। अब इसमें हम सूजी डालेंगे और फिर से मिला लेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो एक एडिशनल फ्लेवर के लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हमें यहाँ पर एक मीडियम कंसिस्टेंसी बनानी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो। अब इसमें हम आधा टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर मिला लेंगे। तो देखिए बैटर तैयार हो चुका है। तो अब कुछ मिनट के लिए बैटर को हम साइड में रख लेंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ पर लौकी के किनारे को काट लेंगे और लौकी को हम छील लेंगे। तो लौकी को छीलने के बाद हमने अच्छे से इसे धो लिया है। तो लौकी को धोने के बाद हम लौकी को ऊपर से नीचे तक पतले स्ट्रिप में इस तरह से छील लेंगे। तो देखिए एक स्ट्रिप तैयार है। इसे हम पानी में भिगो देंगे ताकि लौकी ब्राउन ना हो। और इसी तरीके से लौकी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके हम स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे छील के। तो देखिए लौकी के स्ट्रिप्स तैयार हो चुके हैं और सभी को पानी में ही हमने रखा है। और लौकी का जो अंदर का हिस्सा है यानी कि उसका जो गूदा है उसकी आप सब्जी बना सकते हो। तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए बैटर यहाँ पर तैयार है और साथ ही साथ लौकी के स्ट्रिप्स भी तैयार हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे और मिला लेंगे। अब लौकी के स्ट्रिप्स डालते जाएंगे इस बैटर में। और इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे।
तो देखिए हमने एक एक स्ट्रिप्स को रोल कर दिया है और बैटर में ही रखा है। अब इसे हम तल लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो तेल इस्तेमाल करते हो घर में तलने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और आँच को हमने मध्यम और तेज़ के बीच में रखा है। अब लौकी के जो रिबन्स हैं वो हम डाल देते हैं तेल में तलने के लिए। तो देखिए हमने डाल दिया है। हमें कुछ सेकंड के लिए थोड़ा इंतज़ार करना है। और कुछ सेकंड्स बाद हम रिबन्स को करछले की सहायता से ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि समानता से ये तल जाए। तो हमें यहाँ पर 1.25 मिनट का वक्त लगा है तलने के लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी लौकी के रिबन्स बनाकर तल लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारे से लौकी के रिबन्स तैयार हो चुके हैं। इसे हम केचप के साथ या फिर किसी चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे हम एज यूजुअल थोड़ा सा धनिया से सजा लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। तो कल फिर से मैं आपके साथ एक अलग रेसिपी और एक अलग फ्लेवर के साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ।